सत श्रीकाल जी, मैं तुहाडा अपना भगवंत मान। पंजाबियों, जदों असी चोण प्रचार कर रहे सी 2022 च, जगह जगह जाके चोण रैलियां कर रहे सी, रोड शो कर रहे सी, तां असी पंजाबियों नाल एक वादा कर रहे सी ते गरंटियां भी दे रहे सी कि पंजाब नू ड्रग फ्री जोन बनावांगे, पंजाब दी धरती नू नशा मुक्त करांगे। ते नाल नाल ये भी कह रहे सी कि पंजाब नू गैंगस्टर कल्चर तो मुक्ति दवावे। हर रोज़ जिहड़ियां धमकियां आउंदियां, फरौतियां दे फोन आउंदे आ, ये जिहड़े पिछलियां सरकारां द्वारा पाले हुए गैंगस्टर जिहड़े के कई जेलां च बह के भी अपना काम चला रहे सी, कई उहनां दे गुरगे बाहर भी ने, कई बाहरले मुल्कां च ने, तां असीं उहनां विरुद्ध एक सख्त मुहिम विधी है। वह असीं आउण सार एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। एसटीएफ पहले ही मौजूद सी, पंजाब पुलिस पहले ही नफरी साढ़े को बहुत है, बड़ी दलेर पुलिस है। तो इस लड़ी दौरान सिद्धू मूसेवाला जिहड़ा बड़ा दुखदाई कतल होया, जिस मेरे छोटे भाई का, उनू सब तो पहला गोलियां मारन वाले जिहड़े शार्प शूटर सी, उन्हां नूं ट्रेस किया, पुलिस ने उन्हां दा पिछा किया। टाइम थोड़ा जिहा लग गया, पर बड़ी बहादुरी दे नाल जिहड़ी साडी फोर्स ने, वह दोनों शूटर जिहड़े सीगे वह एक घर दे विच लुक गए। उन्हां नूं वार्निंग दित्ती कि सरेंडर कर दो, पर उन्हां ने उल्टा पुलिस की फायरिंग करती। तो काफ़ी 3-4 घंटे मुकाबला चलिया, तुम सुने होना मीडिया के विच, ते विच दोनों शूटर जिहड़े ने वो मारे गए ने। मैं पंजाबियों नूं गरंटी दवाना कि मैनू तुसी भारी गिणती दे विच वोटा पा के मेरे ते यकीन कीता, यही यकीन मेरे ते कायम रखियो। मैं इस धरती नूं फिर दोबारा रंगली धरती बनाना चाहना। असी एक भी गैंगस्टर नूं बख्शांगे नहीं। पंजाब दे 3.25 करोड़ तो वध लोकां दी सुरक्षा ते पंजाब दी शांति ते भाईचारा, ये मेरी जिम्मेवारी है। सो यकीन रखियो, समर्थन दिंदे रहो। कई बारी कुछ चीज़ां नूं टाइम लग जांदा है, पर असी कोई कच्चे पैरी काम नहीं करते। सो मैं उस टीम नूं भी बधाई दिंदा जिन्हां ने इन्नी बहादुरी नाल अपनियां जानां जोखम च पा के पता नहीं होर किन्ने घरां दे चुल्हे जिहड़े ने वो बुझणों बचाए ने। भविख दे विच भी असी अवेसले नहीं होना, क्योंकि हॉकी दे विच ते फुटबॉल दे विच कहावत है कि अटैक इज़ ए बेस्ट डिफेंस। असी अवेसले नहीं होना, नहीं तो जिहड़ा शरारती अंसर ने वह फिर सिर चुक लेंदे ने। असी उन्हां नूं पंजाब दी शांति भंग नहीं होण देवांगे। बतौर मुख्यमंत्री मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि पंजाब दे बच्चे बच्चे की सेफ्टी, पंजाब दी धरती दी हरियाली ते खुशहाली मेरे जिम्मे है, तां इह पूरी करांगे और पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनावांगे, हसदा खेडदा ते रंगला पंजाब बनावांगे। एक बारी फिर मैं पुलिस के उन्होंने बहादुर जवानों को बधाई देना जिन्होंने अपनी जान को जोखम च पा के होर पता नहीं किन्ने घर इन्होंने सत्थर बिछाने से, किन्ने घर के सत्थर बचाए ने। सो इस तरह असी एक टीम के तौर पर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, सत श्री अकाल। क्या आप त्वचा की समस्या, बाल का गरना या गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि सभी समस्या का एक ही समाधान, नाभि पंचकर्मा ऑयल, नाभि में तेल, जो देता है आपको सभी समस्याओं से समाधान। नाभि में तेल लगाने से लंबी उम्र तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप भी नाभि में नाभि पंचकर्मा तेल लगाते हैं तो आपको कई प्रकार के फायदे होंगे, जैसे जोड़ों में होने वाले दर्द को करे दूर, पाचन शक्ति में सुधार होता है, बालों को बनाए रखे घना, शुगर, बीपी, दिल संबंधी रोग, यूरिक एसिड, थायराइड, लिवर संबंधी रोग, कमजोरी, गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन, चमड़ी की किसी भी किस्म की एलर्जी, बवासीर,
आँख संबंधी रोग, गुप्त रोग, बालों का झड़ना, कब्ज, नींद न आना, घबराहट, बेचैनी आदि रोगों को दूर करने में नाभि पंचकर्मा तेल लाभकारी है और इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। नाभि पंचकर्मा नाभि ऑयल है आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित। एक से दो बूंद नाभि में डालें और सभी बीमारियों से बचें। नाभि पंचकर्मा ऑयल।